आमपाल स्थित ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र से आमंत्रित चलंत विज्ञान प्रदर्शनी का भी प्रदर्शन किया गया। वह इस प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों संबंधित प्रोजेक्ट को रख विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा की गई। कि हम लोग ये श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना से आए हैं और यहाँ पे हम लोग ये दिल्ली सफारी की जो मूवी है वो हम लोग इनको दिखा रहे हैं और इससे हम इनको ये मोरल देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी पेड़ों के कटाव हो रहे हैं या उनसे जो जीव जंतुओं की जो चीज़ें छीन ली जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनके घर उनसे छीने जा रहे हैं, तो इससे वो कैसे प्रभावित होते हैं, जो बेजुबान है जो बात नहीं कर सकते उनके उन्हें भी कहीं ना कहीं आघात होती है, तकलीफ होती है और हम मनुष्यों ने ही उनका जीवन बहुत ही कठिन बना दिया है। इसी को हम बच्चों को दिखाना था कि चाहते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों को देखें समझें कि कहीं ना कहीं हमें पेड़ों का कटाव रोकने की ज़रूरत है और कम से कम उनकी जो ज़मीनें हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, जो जंगल हैं, उनसे उनको ना छीने जाए। ये हमारा परिचय अपना बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब हुसैन है और मैं श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना में एजुकेशन असिस्टेंट की पोस्ट। की रोशनी को देखा है, क्या देख सकते हैं हम? सोच के बताओ तो, क्या हमें लाइट दिखाई देता है? देता है कि नहीं? से यस और नो, एटलीस्ट कुछ बोलो। अच्छा ये बताए, डरे हुए हैं आप लोग? नहीं ना, बोल सकते हो? बोल के दिखाओ तो। गुड। अब ये बताइए, मैंने जो सवाल आपसे पूछा, क्या हम सनरेज को देख सकते हैं? तो आंसर है नहीं देख सकते, द आंसर इज नो। अब आप सोचो कि सनरेज होती है, जो धूप होती है, जो लाइट निकलती है, वो जिस माध्यम पे, जिस मीडियम पे वो पड़ती है, वो मीडियम हमको दिखाई देता है, हमें सनरेज दिखाई नहीं देता है। ठीक है लगाया गया है, काफी अद्भुत चीज का दिखाया गया है। साइंस डे 28 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके उपलक्ष्य में हर साल हम लोग साइंस एग्जीबिशन हमारे बच्चे लगाते थे और अपने टैलेंट्स को शो करते थे। इस बार कुछ डिफरेंट करने के लिए हम लोगों ने कृष्णा साइंस सेंटर पटना से एक प्रोजेक्ट्स की बस मंगाई है, जिससे बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को उसमें देख रहे हैं और साथ ही साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे से साइंस फिल्म चल रही है, एक क्विज प्रोग्राम चल रहा है, एक साइंस शो चल रहा है। इन सब के माध्यम से इस बार हम लोग साइंस डे कुछ डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और इसी को बच्चे लाभान्वित हों और अपने प्रोजेक्ट्स को कुछ डिफरेंट रूप से हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, इनके भी आइडियाज़ बच्चों को मिले।